ओ हेलो, आज मैं आपके लिए चॉकलेट लेके आई हूँ। बढ़िया चॉकलेट खाना नहीं है, इसके अंदर है आपके लव वंस के लिए क्यूट क्यूट सा मैसेज। इसके अंदर चॉकलेट बार नहीं, क्यूट सा छोटू सा बॉक्स है। चलो फिर जल्दी जल्दी इसे बनाते हैं। पहले आप एक पुराना शादी का कार्ड उठाइए, उसे इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम मार्क कर देंगे। आप चाहते हैं तो अगर डार्क ब्राउन कलर का पेपर आपके पास अवेलेबल हो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसीलिए मैंने ये यूज़ किया है। फिर हम इसे अच्छे से स्क्रॉल करके कट कर लेंगे। स्क्रॉल हमने इसलिए किया बिकॉज इसे फोल्ड करने में बहुत इजी रहता है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा, इससे क्या होगा मेरे नेक्स्ट वीडियो जो भी आ जाएंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलो अब हमने इसको ग्लू से स्टिक करके एक छोटू सा बॉक्स रेडी कर लिया है। जैसे कि मैंने पहले बताया था ब्राउन कलर का पेपर मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने इसके ऊपर चॉकलेट डार्क ब्राउन कलर की पेंट की है। और जो हमने पेंट की है वो बाहर से ही की है, अंदर से नहीं की है, बिकॉज हमको अंदर का लुक ऐसा नहीं चाहिए डार्क कलर का, सिर्फ बाहर से ही ऐसा लुक चाहिए। और हाँ, पेंट के बाद हमको 10 से 15 मिनट इसको ड्राई करने के लिए छोड़ देना है। ऐसे ही मैंने 18 बॉक्स रेडी कर लिए। फिर आपको 18 मैसेज रेडी करने हैं बॉक्स के अंदर डालने के लिए। ऐसे ही मैंने सारे मैसेजेस 18 बॉक्स में अंदर डाल दिए और इसे अच्छे से लॉक कर दिया। फिर फोम टेप से मैंने इसे अच्छे से स्टिक कर लिया। आप चाहें तो इसके लिए ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास ये थोड़ा सा पतला सा फोम टेप अवेलेबल था तो मैंने उससे स्टिक कर लिया। मैंने सारे बॉक्स ऐसे वन बाई वन आपस में स्टिक कर लिए। और आप स्टिक करेंगे तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा बिकॉज़ अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो उसकी फिनिशिंग नहीं अच्छी लगेगी, फिर ये रियल चॉकलेट जैसा नहीं लगेगा। फिर ये कंप्लीट होने के बाद मुझे इसमें जो सेंटर में फोम टेप था उसका वाइट लुक अच्छा नहीं लग रहा था, तो मेरे पास एक ब्राउन कलर की स्केच पेन थी, मैंने उससे इसको स्केच करके थोड़ा सा कवर कर लिया। अब ये लग रहा है ना रियल चॉकलेट, अभी काम बचा है यार इस पर। फिर हमको सिल्वर एल्यूमिनियम फॉइल से हमको इसको कवर कर देना है। ये कवर होने के बाद वाइट कलर का प्लेन पेपर लिया मैंने, उसके ऊपर चॉकलेट अच्छे से कलरफुल बनाने के लिए मैंने पिंक पेन यूज़ की। फिर उसे अच्छे से डेकोरेट करके मैंने एक स्वीट सा मैसेज ऐड किया, फिर उस वाइट कलर के पेपर को मैंने उसके ऊपर कवर करके स्टिक कर दिया। जैसा भी बनाए यार, पर सीरियसली बहुत क्यूट लग रहा है। चलो आप भी कमेंट करके बता दो फिर कैसा लग रहा है।